Please subscribe to Rinku's cooking channel. आज आपको मटन के एक रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमको जरूरी है 1/2 kg मटन। हम इस तरह एक बड़ा ऑनियन को चॉप करके रखी हूँ, 2 टोमेटो चॉप करके रखी हूँ, ये 4 पीसेस जिंजर जो है उस और 4 पीसेस गार्लिक, इसको दोनों को मिलाकर एक पेस्ट बना कर रखी हूँ। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रिफाइन ऑयल या मस्टर्ड ऑयल जिससे आप बनाए वे लीजिए, और गाजर को बड़ा बड़ा पीस करके रखी हूँ, और आलू पोटैटो को हम इस तरह हाफ साइज करके रखी हूँ, 2 बे लीफ और गरम मसाला। गैस ऑन करके आप इसमें ऑयल डालिए, मटन है 4-5 स्पून आप इसमें ऑयल डालिए, हो जाएगा। अब इसको पोटैटो को आप थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल रहे हैं। अभी देखते हैं थोड़ा थोड़ा फ्राई हो गया, इसमें हम गाजर भी डाल रहे हैं, थोड़ा सा गाजर को भी थोड़ा सा इसी ऑयल में 2 बे लीफ और गरम मसाला को थोड़ा क्रश करके रखी हूँ, ये हम डाल रहे हैं। अब हम ऑनियन जो चॉप किया हुआ ऑनियन है इसको आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं। टर्मेरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, आप जितना तीखा खा सकते हैं उसका उसका डालिए, कम डालिए तो कम, 1 स्पून डाले हूँ मैं, जीरा पाउडर और 2 स्पून धनिया पाउडर। अब हम चॉप टमाटर को भी डाल रहे हैं। थोड़ा भूनने के बाद इसमें हम मटर डाल देंगे। और बहुत अच्छा से इसको फ्राई करते रहिए, जब तक ना मसाला और मटन पूरा फ्राई हो जाए, इसको आप अच्छे से एकदम धीमी आंच में इसको चलाते रहिए मटन। मेरा देखिए मटन फ्राई हो गया, अब हम क्या करेंगे इसमें जो फ्राई आलू और गाजर था वो हम दे रहे हैं। ये एक सिंपल रेसिपी है, जो क्या होता है ऑलवेज रिच खाते खाते हम लोग बोरिंग हो जाते हैं, तो ये राइस के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा, लॉन्ग राइस के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी इसमें आप अपने हिसाब से पानी डालिए और उसको मटन जब तक ना वो बॉईल हो जाए उसको आप पकाते रहिए, और इसमें आप दूसरा सब्जी भी दे सकते हैं। बनकर रेडी है, आप इसको लॉन्ग राइस के साथ साथ में
राइस के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लगने पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए।